यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टैक्सी में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर गैंगरेप का मामला सामने आया है। चार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और जिस महिला का गैंगरेप किया गया वो गर्भवती थी। साथ ही आपको बता दें कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। और साथ ही रायबरेली फैजाबाद मार्ग पर हसवा मोड़ की एक घटना है, जहां पर एक टैक्सी में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का यहां पर मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर चार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का यहां पर मामला सामने आया है और जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट चुकी है। तो रायबरेली फैजाबाद मार्ग पर हसवा मोड़ की ये घटना है, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप की घटना की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि टैक्सी में ये गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप तिवारी हमारे संवाददाता अमेठी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी मैं आपको बता दें मैम, मोहनगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली फैजाबाद मार्ग पर एक हसवा मोड़ पड़ता है, वहां पर एक गर्भवती महिला जिला अस्पताल रायबरेली अपने इलाज के लिए गई थी जी। जिसमें बताया जा रहा है कि ऑटो वाले ने जो है सुनसान रास्ते के लिए अपना ऑटो मोड़ दिया और उसमें चार लोग ऑटो में सवार थे जी। जिन्होंने उस गर्भवती महिला के साथ में गैंगरेप जैसी क्रूर घटना को अंजाम दिया जी। जी बिल्कुल। तो जो आरोपी है वो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की ओर से? नहीं, अभी उनकी तलाश की जा रही है और घटना की सूचना तुरंत गांव वालों ने डायल 100 को दी, जिससे मौके पर पहुंचकर डायल 100 ने महिला को जो है सिलोई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जी। दिलीप, और गर्भवती महिला थी वो कहां की रहने वाली थी? वो जो है पास के मोहनगंज थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है, जो अपने इलाज के लिए जिला अस्पताल रायबरेली गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो चार लोगों ने वारदात को अंजाम यहां पर दिया। आपको बता दें कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला यहां पर सामने आया है। तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रायबरेली फैजाबाद मार्ग पर हसवा मोड़ की ये घटना है, जहां पर एक गर्भवती महिला को निशाना बनाया गया गैंगरेप करने के लिए आरोपियों की ओर से।